गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। फाजिलपुरिया ने सोहना तावड़ू विधानसभा के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस मौके पर 109 गांवों में राहुल फाजिलपुरिया का महिलाओं ने भव्य स्वागत किया और उन्हें कलावा बांधकर विश्वास दिलाया कि सभी महिलाएं उनके साथ हैं। आज उन्हीं की वजह से पूरी लोकसभा के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे दोनों का कार्यकाल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक तो हमारे पहले गुमशुदा रहे हैं पिछले 20 साल से, आज शायद उन्होंने काम किया होता तो हमें ना आना आगे ना आना पड़ा होता। हमें आगे इसलिए आना पड़ा है कि जिन समस्याओं से हम भी जूझे, हमें भी अपने समय में अच्छे स्कूल नहीं मिले, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिली, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले। आज उन्हीं की वजह से पूरी लोकसभा के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और जो दूसरे राजबब्बर साहब आएंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनसे गिनती के लाइन से 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभा के अंदर पर विधानसभा के 10-10 गांव के नाम एक बार मैं गिनवा दे, मैं मान जाऊंगा। जिनको गांव का नहीं पता, जिनको अपने लोगों का नहीं पता कि उनमें समस्याएं क्या है, वहां पे क्या करेंगे, वो आएंगे, टिकट मिली है, जीतने तो वाले हैं नहीं, वैसे भी वो बॉम्बे भाग जाएंगे, यहाँ पे वही काम कर पाए। गुड़गांव लोकसभा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने पुनहाना विधानसभा के पिनगवां कस्बे समेत दर्जनों गांव में मतदाताओं से वोट की अपील की। राज बब्बर के राजा वाले बयान को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत तो ये है कि मैं 2004 से लगातार इस क्षेत्र से जीत रहा हूं, बिना लोगों के समर्थन के मैं जीत नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे पहले अपना वोट दिया, 2009 से मैं गुड़गांवा लोकसभा क्षेत्र से जीतता आया हूं और हर बार अव्वल वोटों से जीतता आया हूं। आज भी आपके बीच के अंदर अगर मैं आया हूं तो आपके अजीज के दौर के ऊपर, आपके साथी और हम सफर के दौर के ऊपर आया हूं। आज मुझे आप लोगों की इमदाद की जरूरत है और ये मैं आपको वायदा करके जा सकता हूं कि जो आप मुझे ताकत देंगे या जो ताकत आपने मुझे आज से पहले दी है, कोई भी शख्स यहां पर खड़ा होकर के यूं कह दे कि इस ताकत को इंद्रजीत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं वोट मांगने का अधिकार।